आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट पारित होने के बाद कई लोगों में खुशी तो कई लोगों में मायूसी नजर आई। हम लोगों ने कई लोगों से बजट पर अपनी प्रतिक्रिया ली, लोगों ने बजट पर अपने मन की बात हमें कही है। हमने जो डीजल पेट्रोल पे जो रेट बढ़ाया, हमें ऐसी उम्मीद थी कि ये जो है कम होना चाहिए था, लेकिन जो रेट बढ़ाया है इससे हम काफी नाराज है और बहुत ज्यादा निराश है इससे। बजट जो गवर्नमेंट ने पेश किया है उससे कर्मचारी वर्ग बहुत असंतुष्ट है, क्योंकि एक विधायक जो है उनको 5 साल यदि वो चयनित हो जाता है तो पूरा हमेशा उनको पेंशन दी जाती है, लेकिन चूँकि ये कर्मचारी अध्यापक संवर्ग हैं इन लोगों को पेंशन नहीं दी जा रही है। मेरे हिसाब से इन लोगों को पूरी पुरानी पेंशन बहाल की जाना चाहिए और उचित न्याय निर्णय करना चाहिए कर्मचारियों के साथ। आज जो बजट डिक्लेयर किया है इसमें सबसे बड़ी बात कहने को ये है कि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाकर जनता के ऊपर एक राहत तो दी है, लेकिन एक घर चलाने के लिए जो समस्या आती है सबसे बड़ी वो है तेल बहुत महंगा है, गैस बहुत महंगी हो रही है और दिन रात आदमी मेहनत मशक्कत करे उसके बाद भी 2 जून की रोटी मुहैया करना पूरे परिवार के लिए बहुत कठिन काम हो रहा है और इसके लिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने आज जो बजट प्रस्तुत किया है वो नीति विहीन बजट है जिसमें किसी को भी कोई फायदा नहीं है। एक तरफ शराब के दाम बढ़ाए गए हैं और कच्चे तेल के भाव बढ़ा दिए गए और शराब के दाम कम कर दिए गए हैं। ये बजट न तो महिलाओं के हित में, न गरीबों के, न मजदूर के, न किसान के, ये सरकार का जो बजट है पूरी तरह फेल है। सरकार की सोच इसमें दर्शा रही है कि वो जनता का कोई हित के बारे में नहीं सोच रहे लगातार। मामा, मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एक मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एक मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एक मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट पारित होने के बाद कई लोगों में खुशी तो कई लोगों में मायूसी नजर आई। हम लोगों ने कई लोगों से बजट पर अपनी प्रतिक्रिया ली, लोगों ने बजट पर अपने मन की बात हमें कही है। हमने जो डीजल पेट्रोल पे जो रेट बढ़ाया है, हमें ऐसी उम्मीद थी कि ये जो है कम होना चाहिए था, लेकिन जो रेट बढ़ाया है इससे हम काफी नाराज है और बहुत ज्यादा निराश है इससे। बजट जो गवर्नमेंट ने पेश किया है उससे कर्मचारी वर्ग बहुत असंतुष्ट है, क्योंकि एक विधायक जो है उनको 5 साल यदि वो चयनित हो जाता है तो पूरा हमेशा उनको पेंशन दी जाती है, लेकिन चूँकि ये कर्मचारी अध्यापक संवर्ग हैं इन लोगों को पेंशन नहीं दी जा रही है। मेरे हिसाब से इन लोगों को पूरी पुरानी पेंशन बहाल की जाना चाहिए और उचित न्याय निर्णय करना चाहिए कर्मचारियों के साथ। आज जो बजट डिक्लेयर किया है इसमें सबसे बड़ी बात कहने को ये है कि सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाकर जनता के ऊपर एक राहत तो दी है, लेकिन एक घर चलाने के लिए जो समस्या आती है सबसे बड़ी वो है तेल बहुत महंगा है, गैस बहुत महंगी हो रही है और दिन रात आदमी मेहनत मशक्कत करे उसके बाद भी 2 जून की रोटी मुहैया करना पूरे परिवार के लिए बहुत कठिन काम हो रहा है और इसके लिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने आज जो बजट प्रस्तुत किया है वो नीति विहीन बजट है जिसमें किसी को भी कोई फायदा नहीं है। एक तरफ शराब के दाम बढ़ाए गए हैं और कच्चे तेल के भाव बढ़ा दिए गए और शराब के दाम कम कर दिए गए हैं। ये बजट न तो महिलाओं के हित में, न गरीबों के, न मजदूर के, न किसान के, ये सरकार का जो बजट है पूरी तरह फेल है। सरकार की सोच इसमें दर्शा रही है कि वो जनता का कोई हित के बारे में नहीं सोच रहे लगातार। मामा, मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एक मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एक मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम एक मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।